जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में लाइब्रेरियन बहाली की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में जहां भी लाइब्रेरियन की बहाली आती है इस चैनल पर हम देते रहते हैं। तो अभी फिर से लाइब्रेरियन की बहाली आई है, या बहाली कहां आ रही है, कितने पदों पर यह बहाली निकल के आई है, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकता है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रही है, क्या इसमें एग्जाम होगा या मेरिट के आधार पर बहाल किया जाएगा, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लाइब्रेरियन वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लाइब्रेरियन वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरे डिटेल्स में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताने वाले हैं जो कब से आवेदन शुरू हो रही है और आवेदन का लास्ट डेट क्या है, क्या इसमें एग्जाम लिया जाएगा या मेरिट के आधार पर बहाल किया जाएगा, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ बिहार लाइब्रेरियन बहाली के रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली कब आएगी और कितने पदों पर जब बहाली निकल के आ रही है, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से ऐसे वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं। तो दोस्तों यह लाइब्रेरियन की बहाली राजस्थान में आई है। कहाँ आई है? राजस्थान में यह लाइब्रेरियन की बहाली आई है। टोटल 300 पदों पर यह बहाली निकल के आई है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर दे दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल पर दे दिए हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा से इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि टोटल 300 पदों में यह बहाली निकल के आ रही है और यह राजस्थान में बहाली निकल के आ रही है। जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम आपको बता दिए हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी लाइब्रेरियन की बहाली आती है इस चैनल पर हम बताते रहते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, या आप टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किए PhD का इसके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहाँ से आप आसानी से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं या भर सकते हैं। आपको लगता है तो भर दीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम है जो बिहार में जहाँ भी बिहार लाइब्रेरियन की बहाली निकल के आती है, जहाँ भी बिहार के बाहर आपको जो है अदर स्टेट में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आती है या अदर स्टेट में लाइब्रेरियन की बहाली आती है, तो हम अपडेट देते रहते हैं। जो भी भरना चाहते हैं आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली कब आएगी, तो दोस्तों बिहार में हम आपको पहले भी बता दिए, जो बिहार में बहुत जल्द आपको बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार आपको लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी और अभी रिक्तियों की गणना की जा रही है। बहुत जल्द आपको लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको ही पता है, पहले भी बता दिए है, 10,000 प्लस पदों पर ही बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आएगी। कम, इससे कम पद नहीं रहने वाला है, 10,000 प्लस पदों पर ही बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी राजस्थान में लाइब्रेरियन का फॉर्म भरना चाहते हैं आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम पर दे दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल पर दे दिए हैं, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बिहार में जो वेट कर रहे हैं लाइब्रेरियन बहाली आने का इंतजार करें, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी। यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले थे, जो लाइब्रेरियन की बहाली आई है राजस्थान में, जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए और भर सकते हैं, क्योंकि बराबर राजस्थान में लाइब्रेरियन की बहाली आते रहती है और सैलरी भी अच्छा खासा है। हर चीज़ आप एक बार अच्छा से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा से रीड कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं भरना चाहिए तो आप एक बार फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। यही जानकारी देने वाले थे। बिहार में भी बिहार लाइब्रेरियन की बहाली बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग एक्टिव मूड में है, क्योंकि पाठक भी है एक्टिव मूड में, इसलिए आपको इस बार बिहार लाइब्रेरियन में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी। यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को जैसे अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, जैसे ही ऑल ओवर इंडिया में लाइब्रेरियन की बहाली जहाँ भी आती है वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। थैंक यू।